नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। कोई मांगलिक कार्य हो या देवों की आराधना, धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी कि मौली बांधने की परंपरा है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर मौली यानी कि कलावा क्यों बांधते हैं? आज हम आपको यही बताने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं कलावा से जुड़ी कुछ खास बातें। कोई शुभ कार्य हो, पूजा पाठ हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, आपने कलाई पर कलावा जरूर बांधा होगा। ये रक्षा का सूत्र है। इसे आप देवों का आशीर्वाद मानिए। रक्षा सूत्र या मौली जिसके साथ जुड़ी है आस्था, इसे यज्ञ के दौरान बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है। लेकिन इसे संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में भी बांधा जाता रहा है, क्योंकि मौली रक्षा सूत्र या कलावा बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए, भय से, मृत्यु के भय से बचाने के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर इस रक्षा सूत्र को बांधा था। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है, तथा माँ लक्ष्मी ने भी बलि को अपने पति की रक्षा के लिए बलि के हाथ पर इस रक्षा सूत्र को बांधा था। तब से यह परंपरा आ रही है। कलावा तीन धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आम तौर पर ये सूत का बना हुआ होता है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। मौली का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। इसमें लाल, पीले और हरे या सफेद रंग के धागे होते हैं। तीन धागे त्रिशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। असुरों के राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए ये बंधन बांधा था। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए या देवी देवता के मंदिर में मन्नत के लिए मौली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना गया है। मौली या कलावा बांधने के कारण आध्यात्मिक, चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक भी माने गए हैं। माना जाता है कि इसे बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से रक्षा करता है, इसीलिए इसे रक्षा सूत्र कहा जाता है। मौली या रक्षा सूत्र शरीर के कई हिस्सों में आप बांध सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव अलग अलग होता है। इसको बांधने से हम ग्रहों पर भी ग्रहों के दुष्प्रभावों से नियंत्रित कर सकते हैं। अलग अलग कलर को बांध करके, अलग अलग कलर के मौली को बांध करके हाथ में ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। कहाँ कहाँ बांधते हैं मौली? मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। मन्नत के लिए किसी देवी देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। मन्नत पूरी हो जाने पर इसे खोल दिया जाता है। मौली से घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है। इसे पशुओं को भी बांधा जाता है। कलावा बांधने के कई लाभ बताए गए हैं और अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह के कलावे बांधने का महत्व भी ज्योतिषी बताते हैं। न सिर्फ धार्मिक बल्कि कलाई पर सजी ये डोर आपकी सेहत से भी बंधी होती है। इसका मंत्र यह है, ये नबद्धो वरी राजा दानविंद्रो महावर तेना तुम प्रतिबध्नामि रक्षय माचल माचल। इसको बांधते हुए यह कहते हैं कि आप इस हाथ में अचल रहें, इसकी आयु को अचल बनाते रहें।
किसी भी प्रकार का आयु भय न हो, दुर्घटना से ग्रसित न हो, इसको बांधने का एक परंपरा है कि अंगूष्ठ से लेकर के पैर के अंगूठे से लेकर के सिर पर्यंत लंबाई का इसको बांधना चाहिए। पुरुष के दाहिने हाथ में, स्त्रियों के वाम हाथ में बांधने की परंपरा है। कलावा तीनों धातुओं कफ वात पित्त को संतुलित करती है। इसको कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है। ये धारण करने वाले की रक्षा भी करता है। हर तरह के कलावे के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। कुछ दिनों बाद जब कलावा थोड़ा बदरंग और ढीला हो जाता है तो आप इसे बिना सोचे समझे अपने हाथों से उतारने से पहले समझिए कि इसे बेवक्त खोलना और यहाँ वहाँ भी कहीं भी रख देना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना गया, क्योंकि हर चीज का एक नियम तय होता है। इसीलिए मौली या रक्षा सूत्र बांधने का भी नियम है। शास्त्रों के अनुसार जितना महत्व कलावे का है उतना ही उसे उतारने और बदलने के नियम का भी है। वो नियम क्या होंगे, किन सावधानियों पर आपको ध्यान देना होगा, आगे जानिए। कलावा यानी रक्षा सूत्र बांधने के वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों महत्व हैं। धार्मिक नजरिए से कलावा बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसे बांधने से आत्मशक्ति की अनुभूति होती है और साथ ही सकारात्मकता आती है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिर कलावा कब और क्यों बांधते हैं, इसकी सावधानियां भी समझनी जरूरी है। मौली, कलावा या रक्षा सूत्र। कलाई पर बांधा जाने वाला ये धागा धार्मिक आस्था और विश्वास से जुड़ा है। ईश्वर में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति कलावा या रक्षा सूत्र बांधता है। लेकिन कलावा बांधने के लिए एक शुभ समय और शुभ वक्त होता है। यदि आपके कुंडली में मंगल जन्य जनित दोष है, मंगल ग्रह से प्रभावित है, तो आप लाल रंग का धागा लेकर के पैर के अंगूठे से सिर तक का नाप करके दाहिने हाथ में मंगलवार के दिन, पुरुष को मंगलवार के दिन दाहिने हाथ में और स्त्रियों को बाएं हाथ में मंगलवार के दिन ही प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के पश्चात हनुमान जी में स्पर्श करा करके बांधने से यह ग्रहजन्य दोष समाप्त होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मौली या कलावा कब बांधते हैं। पर्व, त्योहार, मंगलवार और शनिवार का दिन कलावा बांधने के लिए शुभ माना जाता है। मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली उतार कर नई मौली बांधना उचित माना गया है। प्रतिवर्ष की संक्रांति, यज्ञ की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में मौली बांधते हैं। मांगलिक कार्य, विवाह आदि संस्कारों के दौरान भी मौली बांधी जाती है। हर चीज के साथ जुड़े हैं नियम और सावधानियां भी। कलावे से आपके जीवन में शुभता का संचार होता है, लेकिन इसके साथ सावधानियों का पालन करना भी जरूरी है। कलावा धारण करने की सावधानियां। कलावा सूत का बना हुआ ही होना चाहिए। इसे मंत्रों के साथ ही बांधना चाहिए। इसे किसी भी दिन पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। लाल, पीला और सफेद रंग का बना हुआ कलावा सर्वोत्तम होता है। एक बार बांधा हुआ कलावा एक सप्ताह में बदल देना चाहिए। पुराने कलावे को वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए या मिट्टी में दबा देना चाहिए। कलावे को आप किसी देवी या देवता के नाम पर भी बांध सकते हैं। कहते हैं इससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसमें संकल्प निहित होता है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग कलर के कलावा को, अलग अलग कलर के मौली को हम हाथ में धारण कर सकते हैं। जैसे बार बार किसी व्यक्ति को, किसी बालक को नजर लग जाता हो, देखने से बार बार उसको नजर लग जाता, तो उसके लिए काले रंग का कलावा लेकर के उसके अंगुष्ठ से लेकर के सिर पर्यंत, दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक का नाप करके उसके दाहिने हाथ में अमावस्या या पूर्णिमा पर बांधने से
नहीं तो शनिवार के दिन बांधने से उसके नजर दोष समाप्त हो जाते हैं, नजर लगने की समस्याएं दूर हो जाती है। अगर आपने किसी देवी या देवता के नाम की मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। इसे बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन कभी ना करें। अलग अलग उद्देश्यों के लिए कलावे को कैसे धारण करें आगे जानते हैं। मौली बांधने से शुभता आती है और ये बुराइयों से रक्षा करता है, इसलिए इसे रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। मौली या रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सकीय लाभ भी बताए गए हैं। अलग अलग उद्देश्यों के लिए भी कलावा धारण करने का महत्व बताया गया है। कौन कौन से अलग अलग कलावे आप धारण कर सकते हैं, चलिए अब ये भी जानिए। मौली या रक्षा सूत्र बांधने के चिकित्सकीय लाभ भी हैं। जानकारों का मानना है कि शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मौली बांधने के लाभ भी अलग अलग हैं। कहते हैं इससे त्रिदोष यानी कि वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। इसका नाम ही रक्षा सूत्र है, अर्थात रक्षा करने वाला धागा या सूत्र को हम रक्षा सूत्र कहते हैं। इसको धारण करने से हर प्रकार से व्यक्ति की रक्षा होती है। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक तीनों भय जो है, तीनों ताप से उस व्यक्ति की यह रक्षा सूत्र जो है रक्षा करता है। और यह मणिबद्ध हाथ में जहाँ पर धागा को बांधा जाता है यह मणिबद्ध कहलाता है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु और शंकर का वास होता है। यहाँ बांधने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। रक्षा सूत्र में इतनी शक्ति है कि आपके मन में शांति और पवित्रता का भी संचार करता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार अलग अलग उद्देश्यों के साथ आप अलग अलग कलावे धारण कर सकते हैं। अगर आपके कुंडली में शनि दोष से, शनि राहु और केतु के दोष से प्रभावित हैं, उसके बचाव के लिए भी आप काले रंग का रक्षा सूत्र लेकर के उसको धारण कर सकते हैं, बांध सकते हैं, जिससे कि आपको रक्षा होगी। शिक्षा और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का कलावा धारण करें। इसे बृहस्पतिवार सुबह बांधें। विवाह संबंधी समस्याओं के लिए पीले और सफेद रंग का कलावा धारण करें। शुक्रवार सुबह धारण करें। रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का कलावा बांधना अच्छा होगा। इसे शनिवार की शाम को बांधें। इसे अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवाएं तो और अच्छा होगा। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। इसको बांधने के पूर्व माँ काली को अर्पित करें। इसे किसी अन्य रंग के धागे के साथ ना बांधें। हर प्रकार से रक्षा के लिए लाल, पीले, सफेद रंग का मिश्रित कलावा बांधना चाहिए। इसको बांधने के पूर्व भगवान को अर्पित कर दें। तो बस रक्षा सूत्र को धारण कर लीजिए, इसकी शक्ति आपकी रक्षा करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे एक और आध्यात्मिक सफर पर, तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए GNT के साथ।